सो गाइज फाइनली वो बिग दिन आ ही गया और बिग डे दैट बिग डे इज हेयर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवम्बर कल है वो संडे का दिन जब आपका कैट ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जामिनेशन होगा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एग्जामिनेशन से पहले एक छोटी सी बातचीत हो जाए एक पेप टॉक हो जाए आई एम नॉट गिव यू एनी मोटिवेशन आई एम नॉट गिव यू एनी मैजिकल ट्रिक सो डू नॉट वरी अबाउट इट ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे गुरु और बाबा बैठे हुए हैं सो आई एम नॉट गोन टू डू दैट बट येस मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स से जो मुझे सुनते हैं जो मुझे देखते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मेरी छोटी सी बातचीत हो जाए न पहली चीज तो ये गाइस कि तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लोगे ये स्कूल का या कॉलेज का एग्जामिनेशन तो है नहीं कि एक दिन पहले रट्टा मार लो तुमने जो पढ़ा हुआ है रफ़ नोट्स को फॉलो देखो अपने रफ नोट्स को फॉलो कर लो देख लो क्या किया है दिमाग ठंडा रखो रिलैक्स रखो ज़्यादा अज्यूम मत करो कि क्या होगा कल ज़्यादा अपने एजॉम्पन्स पे प्लानिंग मत करो ऐसे ऐसे लोग भी मैं देख रहा हूँ जो बता रहे हैं कि स्क्रीन ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक करना तो वहाँ भाई वहाँ जाके आपको सब पता चल जाएगा ऑफ कोर्स कुछ मेन बातें हैं जो मैं आपके साथ आज करूंगा एज अ फ्रेंड लेट्स लेट्स टॉक लाइक अ फ्रेंड गाइस पहली चीज तो ये कि आप क्या क्या कैरी करेंगे कैसे कैरी करेंगे आपको मेल आया होगा हॉल टिकट का ऑफ कोर्स दैट यू नो आप अपने हॉल टिकट को आप ए फोर साइज में प्रिंट आउट करेंगे किस कौन से साइज में ए फोर साइज में जो भी आपके हॉल टिकट के डॉक्यूमेंट्स है प्लस वहां पे आपको एक जगह अपना पासपोर्ट साइज या अपना फोटो चिपकाना है जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है उसी वही सेम फोटो और साइन भी मारना है सो द साइन एंड द फोटो शुड मैच विद द डॉक्यूमेंटेशन यू फिल्ड ऑनलाइन रिमेंबर आपका साइन और आपका फोटो जो चिपकाएंगे ऊपर फॉर्म के वो मैच होना चाहिए आपके ऑनलाइन फॉर्म से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए फोर साइज पेपर होना चाहिए अब बात आती है कोविड से रिलेटेड प्रोटेक्शन की सो गाइज ऑलरेडी टेलीफोन करो या किसी को कॉल करो वही बुढ़ा खांस रहा है पता चल रहा है तो ये सब हमको पता है ऑलरेडी आप एक ग्लव कैरी कर सकते हैं एक पेयर ऑफ़ ग्लव आई मीन टू से बीस चालीस रुपए का आएगा मेडिकल से ले लेना अगर नहीं है आपके पास तो यू कैन कैरी अ ग्लव आई सजेस्ट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट कैरी अ स्मॉल बॉटल ऑफ़ स्मॉल फिफ्टी एम एल बॉटल ऑफ सैनिटाइजर ऑफ़ कोर्स हमारे सबके घर में छोटे आप तो कोरोना वायरस को लेके कोई ना कोई खाली बोतल भरा पड़ा होगा या तो होगा तो वो कैरी कर लो या दो घंटे का पेपर है बीस घंटे का नहीं सिर्फ दो घंटे निकालने सेंटर पे हाँ अगर आप ऐसे हैं जिसको एग्जामिनेशन के टाइम बार बार प्यास लगती है मौक देते समय आपको गला सूखता है टेंशन आता है तो आप पानी का बॉटल कैरी करेंगे लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मतलब वो उस पानी के बॉटल में कोई प्लास्टिक का ऐसा बॉटल कलरफुल बॉटल या स्टील बॉटल ऐसा बॉटल नहीं होना चाहिए जिससे पानी ना दिखाई दे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सो मेक श्योर दैट यू कैरी द अ वाटर बॉटल विद यू डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप उन दो घंटे में कितना पानी कंज्यूम करते हैं कई लोग दो दो लीटर की बॉटल लेके जा रहे हैं भाई दो घंटे का पेपर है मैन वर्सेज वाइल्ड के लिए नहीं जा रहे आप आप कैट के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो ठीक है तो ये होगी बेसिक बातें ऑफकोर्स वहाँ पे हाँ अपने साथ दो पेन जरूर कैरी कर लेना दो पेन कैरी कर लेना या एक पेन या दो पेन आई सजेस्ट दो पेन कैरी कर लेना और कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे आपको रफ पेजेस भी मिलेंगे राइटिंग पैड मिलेगा जो आपको एग्जाम के बाद उन्हें वापस लौटाना होता है सो दर इज़ नथिंग टू बी वर्ड अबाउट ठीक है दैट द फर्स्ट थिंग दूसरा पॉइंटर ये है गाइज़ दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं देख रहा हूँ आज यूट्यूब पे कई सारे लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा कर लो ऐसा होगा बस करो करोगाइज एंड मोमेंट पे अपना कुछ नया करने की कोशिश मत करो ये सब बातें ना बातचीत के लिए अच्छी लगती हैं बट रियलिटी में इनका कोई वजूद नहीं है जो पिछले साल ये सब गाने सुन के गए हैं वो जानते हैं कि क्या होता है सो प्लीज़ बी सेंसिबल आई थॉट बिफोर द एग्जामिनेशन आई शुड कम एंड टॉक टू यू एक चीज़ आज मैं सिर्फ बोलूँगा सिर्फ एक चीज़ जब आप कैक का एग्जामिनेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं या तो कर रहे होंगे तो जिस क्वेश्चन पे आप हैं आप सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे यू वोंट बी थिंकिंग अबाउट

स्टार्टिंग के दो मिनट पे या दो से तीन मिनट में एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेना कि कितने क्वेश्चंस हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया अपनी अप्रोच का पता चल जाए नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर वेदर नेगेटिव मार्किंग इज गोइंग टू बी देयर और नॉट एंड व्हाट इज देयर नो वन नोज दैट कि क्या होने वाला है तो ज्यादा अजम्पशन प्रजम्पशंस में ना जाए वापस से मैं रिलैक्स होके आपको वो सब चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ या दोहराता हूँ ए फोर साइज पे अपने सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करेंगे अगर आपने नहीं किए ए फोर साइज पे ब्लैक एंड व्हाइट विल डू अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो या फोटो वो वाला फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किया हुआ है सॉफ्ट कॉपी उसका एक हार्ड कॉपी आपको फोटोग्राफ का लगेगा या तो सेम टाइप का फोटो मैच होना चाहिए आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर मैच होना चाहिए तो यू हैव टू पेस्ट अ फोटो एंड आल्सो साइन ऑन इट सेल्फ अटेस्ट करना है उस उस आपके एडमिट कार्ड को इज बेसिकली सेल्फ अटेस्टेशन दैट यू हैव टू डू यू योर फोटो साइन इट मेक श्योर दैट यू साइन एंड योर फेस ऑफ कोर्स शुड मैच नाउ दैट इज देयर now the second thing is carry two pens, a water bottle for two hours in the examination hall if you want to but that should be a transparent one. if you want to carry a sanitizer it should be a small 50 ml bottle that we all know or सारी instructions आपके hall ticket में mention हैं आपको कोई extra paper pen लेके carry करने की pen आप दो लेके जाएं लेकिन आपको कोई paper carry करने की ज़रूरत नहीं है make sure कि आप अगर कई सारे ऐसे लोग दो दो तीन तीन हैं जो दो-दो तीन-तीन mobile use करते हैं please multiple mobiles carry ना करें एक्सपेंसिव ज्वेलरी ना पहनें क्योंकि उस हॉल टिकट में क्लियरली मैंशन है कि कोई ऐसा सेफ कीपिंग उनकी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पर आप अपना सब रख दो और बाद में अगर कुछ चोरी होता है कुछ नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी उनकी नहीं रहेगी सो मेक श्योर देट यू कैरी ओनली एजेंशियल विद यू थिंग्स दोज आर क्वाइट एजेंशियल फॉर यू टू गो एंड रिटर्न द एग्जामिनेशन डू नॉट वरी अबाउट एनी थिंग एल्स जस्ट दैट क्वेश्चन विच यूर अटैम्प्टिंग एट दैट पॉइंट एड नाइन बट दैट क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब ये फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आप जिस टाइम अटम्प कर रहे हो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे आप, आपके लिए सिर्फ वही एक चीज है आप ये नहीं सोचेंगे कि पहले वाला क्वेश्चन कैसा था कैसा अटैम्प्ट किया आगे वाला क्वेश्चन कैसा आएगा दैट वे यू विल बी कॉन्फिडेंट यू विल भी गिविंग योर वन हंड्रेड परसेंट ऑफ द क्वेश्चन यू आर अटैम्प्टिंग ओके तो आपका दिमाग वहाँ पर रहेगा लास्ट चीज हो सके तो स्टार्टिंग में एक सेक्शन के ऊपर से नज़र मार लेना कुछ दो तीन मिनट लगा के ताकि एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि एग्जामिनेशन कैसा है टेंशन मत लेना स्टे हैप्पी स्टे काम एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस